3. Oh, come on, you can do it. But you might want to eat in the room. मूवी के शुरुआत में लिली जो कि अपने घर से भागकर आई थी अपने एब्यूसिव फादर की वजह से, लिली के साथ में उसका बॉयफ्रेंड नील भी अपना घर छोड़कर आया हुआ था। दोनों जंगल के रास्ते भागते जा रहे थे और दोनों कुछ देर रेस्ट करते हैं। लिली कुछ ही देर में अपने पेरेंट को मिस कर रही थी तो वो उनको कॉल लगाना चाहती थी, लेकिन नील उसे कॉल लगाने नहीं देता है और फोन अपने पास में रख लेता है। दोनों फिर से जंगल के रास्ते चलने लगते हैं और उनके पास अब पानी भी नहीं था और ऊपर से अब रात भी हो चुकी थी। दोनों एक जगह रुककर कैंप लगाने की सोचते हैं और लिली कैंप लगाने लगती है और नील पानी ढूंढने के लिए चला गया था, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत देर होने के बाद में भी नील वापस नहीं आया था। लिली ये नोटिस करती है कि नील उसका फोन भी अपने साथ लेकर गया है। फिर लिली पूरी रात नील का इंतजार करती है लेकिन नील वापस नहीं आता है। अब अगली सुबह लिली अकेली ही जंगल में चलने लगती है और तभी लिली को एक घर दिखाई देता है और वो वहाँ पर मदद मांगने के लिए उस घर में जाती है। वहाँ पर एक इवान नाम का एक आदमी रहता था। लिली इवान से उसका लैंडलाइन यूज करने की परमिशन मांगती है ताकि वो नील को कॉल कर पाए, लेकिन जल्दी ही लिली को इवान में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। तभी इवान लिली से कहता है कि उसे शावर लेना चाहिए और लिली उस घर में जाने को सोचती है और फिर से जंगल में लेकर आता है। इवान लिली से माफी भी मांगता है उसके बिहेवियर के लिए। वो लिली वहां से जाना चाहती थी लेकिन इवान उसे पकड़कर बेसमेंट में बंद कर देता है। उस बेसमेंट में लिली को बहुत सारे लोगों के मिसिंग होने की कटिंग्स मिलती है और ये सब देखकर वो बहुत डर गई थी और अपने आप को इवान से सेफ रखने के लिए हथियार ढूंढने लगी थी। लिली को एक हथौड़ी मिलती है और तभी वहां पर इवान आकर लिली के हाथ से उस हथौड़ी को ले लेता है। बेसमेंट से निकलकर वो घर के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देता है ताकि लिली वहां से निकल नहीं पाए। कुछ समय के बाद में इवान खाना लेकर लिली के पास में आता है और लिली उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन इवान इस बात से लिली पर गुस्सा हो गया था। वो ट्रेडमिल के पास लाकर उससे एक्सरसाइज करने को कहता है। लिली को समझ नहीं आ रहा था कि इवान उसे किस चीज के लिए ट्रेन कर रहा है और फिर इवान बेसमेंट से चला जाता है। अगली सुबह इवान न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जहाँ पर हम देखते हैं कि लिली और नील के मिसिंग रिपोर्ट छपी हुई थी। इवान लिली के पास में आता है और लिली फिर से इवान से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से छोड़ दे। इवान लिली की बातों को इग्नोर करके उसे अच्छे से ट्रेन होकर जीतने के लिए कह देता है। अब फिर रात को इवान लिली को एक मैट्रेस देता है ताकि वो अच्छे से सो पाए और वो उसे अच्छे से खाना भी देता है। अगले दिन इवान एक मैट पे लिली को लेटने को कहता है और लिली को लगता है कि इवान उसका अब फायदा उठाने वाला है, यानी कि वो अब उसका रेप करने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि इवान लिली को सिटअप करने को कहता है। लिली भी चुपचाप इवान की इस बात को मान लेती है और अब लिली को अपने पिता की याद आती है कि कैसे वो लिली को एब्यूज किया करते थे और ये याद करके लिली इवान को किक करती है। इसे देखकर इवान वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद में इवान लिली के पास में आता है और उसे खाने के बदले अपना सीटअप कंप्लीट करने को कह देता है। लिली भी बहुत ज़्यादा भूखी थी तो वो इवान की बात मान जाती है। इवान अपनी बातों का पक्का था, वो लिली को डाइनिंग रूम में लेकर जाता है और उसे खाना ऑफर करता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि इवान लिली को लिली नहीं बल्कि कैथरीन कहकर बुला रहा है। लिली भी इस बात पर इवान को कुछ नहीं बोलती है और घर की हर चीज़ पर नज़र देने लगती है ताकि वो किसी तरह से वहाँ से निकल जाए। लिली को अपने प्लेट के पास टेबल नाइफ दिखाई देता है और वो उसे उठाने ही वाली थी, पर इवान उसके पास आकर उस नाइफ को लिली से ले लेता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। ये सब देखकर लिली और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और वो इवान पर चिल्लाने लगी थी। इवान भी गुस्सा होकर लिली को वापस बेसमेंट में बांध देता है। अब कुछ देर के बाद में इवान फिर से लिली के पास में आता है और उसे स्पोर्ट्स के कपड़े पहनने को देता है। इवान फिर ट्रेडमिल को सेट करता है और लिली उस पर एक्सरसाइज करने लगी थी। जब लिली एक्सरसाइज कर रही थी तब इवान का भाई उसे मिलने आता है और इवान खुशी से उसे बताता है कि कैथरीन घर पर वापस आ गई है और वो बेसमेंट में एक्सरसाइज कर रही है, जिसे सुनकर उसका भाई भी इवान को टाइम पर दवाई लेने को कह देता है और वो उसे थेरेपी भी लेने को कहता है। उसे लगता था कि इवान को डिल्यूजनल डिसऑर्डर है और दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया था जिससे कि इवान का भाई वहाँ से चला गया था। फिर वो लिली के पास में आता है और उसे कहता है कि उसके अंकल घर पर आए थे। लिली को लगता है कि वो शायद वहाँ से निकल पाएगी, पर तब तक इवान का भाई वहाँ से जा चुका था। इवान लिली को नहाने जाने को कहता है और लिली को फ्रिज में इवान की असली बेटी कैथरीन की फ़ोटो मिलती है।
इवान लिली को ही उसके बेटे कैथरीन समझकर कैथरीन के रूम में लिली को रखता था। वो लिली भी इवान के माइंड से अब खेलने लगी थी। वो अब कैथरीन के कपड़े पहनकर कैथरीन बनकर वहाँ पर रहने लगी थी। और कुछ देर के बाद में लिली को कैथरीन की डायरी मिलती है। वो उस डायरी को देखकर कुछ समय के बाद में रूम से निकलकर और घर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी इवान उसे देख लेता है और लिली कहती है कि वो बस किचन में उसकी मदद करने आई थी। इवान लिली को किचन में लेकर जाता है और वो लिली को कैथरीन जैसे ट्रीट कर रहा था। जब इवान का ध्यान उस पर नहीं था तो लिली घर से बाहर निकलकर भागने को सोचती है, पर इवान फिर से उसके पास में आ जाता है और इवान लिली को कैथरीन के रूम में भेज देता है। रूम में जाकर लिली कैथरीन की डायरी पढ़ने लगती है और कैथरीन की डायरी से लिली को पता लगता है कि इवान एक ओवर प्रोटेक्टिव फादर है। इवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बेटी कैथरीन किसी भी चीज में हार जाए। इवान चाहता था कि कैथरीन स्पोर्ट्स में चैंपियन बने, पर कैथरीन की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एक 12 साल की बच्ची इतनी मुश्किल एक्सरसाइज करे। इसलिए उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे। जब कैथरीन को अपना पहला पीरियड हुआ था तो इवान कन्फ्यूज हो गया था कि वो क्या करे, और ये पढ़कर लिली के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। लिली इवान के पास जाकर कहती है कि उसे कुछ पॉड्स और टेम्पन चाहिए क्योंकि उसके पीरियड शुरू हो गए हैं। इवान ये सब खरीदने के लिए निकल जाता है, पर वो जाने से पहले लिली को कहता है कि वो बेसमेंट में जाकर एक्सरसाइज कर ले। लिली फिर से कैथरीन की डायरी पढ़ने लगती है और तभी उसे इवान के वापस आने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि इवान के घर के बाहर नील आता है, जो कि इवान से लिली के बारे में पूछ रहा था। नील को देखकर इवान को ऐसा लगता है कि उसके भाई ने नील को भेजा है ताकि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दें। वो नील को वहाँ से डराकर भगा देता है और वो उसे धमकी भी देता है कि अगर वो वापस आया तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। अब फिर इवान घर के अंदर आकर लिली की हाइट नापता है, पर लिली कैथरीन से छोटी थी और इसीलिए वो लिली को थोड़ा ऊंचा खड़ा करवाता है ताकि लिली भी कैथरीन की तरह लंबी नजर आए। अब फिर वो लिली को रस्सी कूदने को कहता है। लिली अब इन सब चीज से थक चुकी थी और वो इसीलिए गुस्से में इवान को मारती है। फिर वो इवान से घर की चाबी मांगती है, पर इवान लिली को ही पीट कर उस पर काबू पा लेता है। अब फिर रात को लिली कैथरीन की डायरी पढ़ने लगती है और वहां से उसे पता लगता है कि कैथरीन की माँ कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और माँ के मरने के बाद में कैथरीन अकेले ही इवान के टॉर्चर को सह रही थी। लिली डायरी पढ़ी रही थी कि इवान लिली को खाने के लिए बुलाता है। इवान फिर लिली को बताने लगता है कि वो अपनी बेटी के लिए क्या क्या करना चाहता था। लिली को इवान के लिए बुरा लगता है और वो उससे माफ़ी भी मांगती है। फिर वो इवान से कहती है कि वो स्कूल जाना चाहती है क्योंकि स्कूल ब्रेक बंद होने वाला था। इवान कहता है कि वो अपने घर से ही स्कूलिंग करे और डिनर के बाद में वो लिली के साथ में हाइड एंड से खेलता है, जैसे कि वो अपनी बेटी कैथरीन के साथ में खेलता था। लिली भी इवान के साथ में खेलने लगती है और खेल खेल के बीच में वो चोट लगाने का नाटक करती है ताकि उसे वो टाइम मिले जिससे कि वो कैथरीन की डायरी पढ़ सके। फिर अचानक से वहाँ पर एक भूकंप आता है और सेफ्टी के लिए इवान लिली को बाहर लेकर जाता है। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद में वे अंदर आकर बिखरे हुए सामान को ठीक करते हैं। फिर इवान लिली को अपना एक फोटो दिखाकर कहता है कि वो चाहता है कि उसका एथलीट बनने का अधूरा सपना उसकी बेटी पूरा करे। अब फिर अगले दिन इवान लिली को घर से बाहर रनिंग करवाता है। जब लिली रनिंग करके वहाँ से भागने वाली थी तो इवान उसके पीछे जाता है, लेकिन लिली वहाँ से भाग नहीं पाती है क्योंकि वहाँ के गेट पर भी ताला लगा हुआ था। इवान वापस लिली को कैथरीन के रूम में लाता है और उसके जख्मों पर पट्टियाँ बांधता है। लिली कुछ दिनों के लिए अपने भागने का इरादा छोड़ देती है और इवान के कहे अनुसार खुद को ट्रेन करने का सोचती है और वो अब से कैथरीन बनकर इवान के साथ में रहने लगी थी। फिर हम ये देखते हैं कि कई महीने बीत जाते हैं और अब ट्रेनिंग कर करके लिली ने खुद को स्ट्रांग बना लिया था। लिली और इवान भी अब बाप बेटी बन गए थे और इवान बहुत खुश था लिली को लेकर। लिली ने अब तक ट्रेनिंग में कैथरीन का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। अब फिर एक दिन इवान लिली से कहता है कि एक नया ट्रैक कॉम्पिटिशन आ रहा है जहाँ पर लिली को हिस्सा लेना है और उसके पास 7 हफ्तों का टाइम है ट्रेनिंग करने के लिए। लिली ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और इवान के साथ में वो एक फोटो भी खींचती है। रात को फिर लिली जब सो रही थी, इवान लिली के पास में आकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसकी माँ एक्सीडेंट में मारी गई थी। लिली को यहाँ पर पता लगता है कि कैथरीन अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता इवान को मानती थी, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई थी। अब अगली सुबह फिर से लिली घर से भागने का चांस ढूंढ रही थी और तभी इवान उसे रोक लेता है और उसे एक दिन के लिए रेस्ट लेने के लिए कह देता है। वो लिली को एक गिफ्ट भी देता है क्योंकि आज कैथरीन का बर्थडे था।
लिली रूम में जाकर अपना गिफ्ट खोलती है और उस गिफ्ट के अंदर एक स्मार्टफोन था। लिली फिर उस फोन में अपने बॉयफ्रेंड नील का नंबर सेव करती है और तभी इवान लिली को बाय बोलकर उसका बर्थडे केक लाने के लिए वहां से चला जाता है। और फिर इवान के जाने के बाद में लिली घर से निकलकर भागती है। इवान फिर जब घर पर वापस आता है तो घर के बाहर उसकी असली बेटी कैथरीन खड़ी हुई थी, पर इवान उसे देखकर जरा भी शॉक्ड नहीं था। वो कैथरीन को घर के अंदर लेकर आता है और उसे अपने रूम में भेज देता है। कैथरीन को यह सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि इवान ने उसे इतने महीने बाद देखा और उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। कैथरीन को अपनी डायरी में नए नोट्स मिलते हैं जो कि उसने लिखे ही नहीं थे, और तभी वहाँ पर लिली आ गई थी। लिली को देखकर कैथरीन को कुछ समझ नहीं आता है और लिली भी कैथरीन को देखकर खुश नहीं थी। लिली कहती है कि वो जैसी लाइफ और फादर चाहती थी वैसा ही उसे कैथरीन बनकर मिल चुका है और वो अब इस लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है। लिली कैथरीन को भी ब्लेम करती है कि अपनी वाइफ के मरने के बाद में इवान को जब कैथरीन की ज़रूरत थी तभी कैथरीन वहाँ से भाग गई और इस वजह से इवान की दिमागी हालत भी ख़राब हो गई थी। उसे इवान को सपोर्ट करना चाहिए था और लिली अब इवान को अपना पिता मानने लगी थी क्योंकि लिली के असली पिता तो एक शैतान थे। और हम देखते हैं कि लिली एक चाकू को असली कैथरीन के पेट में घुसाकर उसे मार डालती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि लिली अपने रूम से बाहर आकर इवान के साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और अपने फोन से वो अपने बॉयफ्रेंड नील का नंबर डिलीट कर देती है और एक कार लेकर लिली और इवान घूमने जाते हैं। मतलब कि अब लिली ने हमेशा के लिए खुद को कैथरीन बनकर एक्सेप्ट कर लिया था। लिली को इवान के रूप में एक लविंग और केयरिंग फादर मिल गया था और इवान को भी ऐसी बेटी मिल गई थी जैसी उसे चाहिए थी। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट लिखकर ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।